Hello students, I am Imran Mirza and you are watching Tips and Clips English series. Our today's topic is about the basic sentence structure in English language. आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि English language में basically यानी basic shortest structure हम क्या लिख सकते हैं. तो students याद रखिए कि English language में जो shortest sentence आप लिख सकते हैं वो two words का combination हो सकता है. Yes, just only two words. जो फर्स्ट वर्ड है वो सब्जेक्ट कहलाता है और जो सेकंड वर्ड है वो वर्ब कहलाता है. अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट एक्चुअली वो एंटिटी है जो कोई एक्शन परफॉर्म करती है, और वर्ब क्या है? वो एक्शन है, वो एक्टिविटी है जो सब्जेक्ट परफॉर्म करता है. तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो बेसिक आप लिख सकते हैं वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन बना के कोई सेंटेंस लिख सकते हैं. जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ए सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में, आप टू पार्ट्स पर मुश्तमिल एक कॉम्बिनेशन देख रहे हैं. तो यहाँ उसके एग्जांपल आप देख रहे हैं, ही राइट्स वो लिखता है. इसमें आप देखिए कि जो एक्चुअली वर्ब है वो क्या है, एक्टिविटी क्या है, राइट्स, लिखता है यानी लिखने की एक्टिविटी है. और कौन ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है? वो एक सब्जेक्ट ही ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है. तो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है. सेकंड एग्जांपल में आप देखिए, पियन रिंग्स. यहाँ पे पियन सब्जेक्ट है और रिंग्स वर्ब है, एक्टिविटी है जो पियन परफॉर्म कर रहा है. इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, ये तो है शॉर्टेस्ट स्ट्रक्चर जो आप लिख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, बट द शॉर्टेस्ट कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज कंसिस्ट्स ऑफ थ्री बेसिक पार्ट्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट. तो इंग्लिश लैंग्वेज में इन तीन के कॉम्बिनेशन से आप एक कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं. इन्हीं एग्जांपल्स को यूज़ करते हुए हम देख सकते हैं कि ये कैसे एक कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर बन सकता है. देखिए, फॉर एग्जांपल ये मैंने पहली एग्जांपल में दिखा था, ही राइट्स अ लेटर. ही राइट्स अ लेटर. सब्जेक्ट आप जानते हैं ही है, वर्ब यहाँ पर राइट्स है, अ लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, वर्ब तो राइट्स लिखना एक वर्ब है, और काम करने वाला शख्स सब्जेक्ट है, और जिस चीज़ पर काम किया जा रहा है वो लेटर है. तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर में जिस पर वो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है. जबकि सब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है. वर्ब क्या है? वो एक्टिविटी. और ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर वो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है. तो इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिकली ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये शॉर्टेस्ट बेसिक कंप्लीट स्ट्रक्चर है. इसी तरह मैं यहाँ दूसरी एग्जाम्पल में लिख सकता हूँ, पियन रिंग्स द बेल. यहाँ भी आप देखिए, पियन सब्जेक्ट है, रिंग्स वो एक्टिविटी है जो पियन परफॉर्म करता है, और ये एक्टिविटी किस पर परफॉर्म हो रही है? मींस बेल. तो यहाँ बेल जो है वो ऑब्जेक्ट है. डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर इंग्लिश लैंग्वेज में शॉर्टेस्ट आप अगर लिखना चाहें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब पर मुश्तमिल होता है, जबकि कंप्लीट बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी. इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.